स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो साइंस थर्सडे में हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन चिलर के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो आपको पहले ये समझना हो ये दिग्डम है क्या। तो जैसे आपको पता ही, हमारा फ्रिज हो चाहे रेफ्रिजरेटर हो, जो बड़ा बड़ा जिसमें आइसक्रीम रखा जाता है, या एयर कंडीशनर हो, वो सब काम करता है कंप्रेसर के बेसिस पे, ठीक है। तो इस सिस्टम में ये होता है कि कंप्रेसर ही हटा दिया जाता है। कंप्रेसर का काम गर्मी करता है, मतलब जो आग से भी आप चला सकते हैं, गैस से भी चला सकते हैं, सोलर से भी चला सकते हैं, गर्मी से। तो यही है, इसी को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन चिलर। अब ये समझिए कि कोई नई बात नहीं है, ये कंप्रेसर से पहले आया है मार्केट में, और इसका कमर्शियलाइजेशन, मतलब कब एक्चुअली लोग प्रोडक्ट खरीद सकते थे, वो 1923 में किया गया है। और एक कंपनी, छोटी कंपनी ने स्टार्ट किया, फिर इलेक्ट्रोलक्स ने उस कंपनी को खरीद लिया। मतलब ये टेस्टेड चीज़ है, इसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है, और आप आजकल आप इंडस्ट्रियल स्केल का आराम से खरीद सकते हैं। तो ये तिगड़म काम कैसे करता है, तो काम के बारे में आप ये समझिए कि जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर में भी कई सारे स्टेप्स हैं, इसमें भी तीन स्टेप है। पहला स्टेप एब्सॉर्प्शन किया जाता है, जिसका मतलब इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन के दरमियान ये होता है, कोई भी चीज़ अगर इवेपोरेट होती है, वो ठंडा कर देती है जहाँ से वो इवेपोरेट होती है, ताकि पसीना जब आपको होता है, तो पसीना जब आपके ऊपर से भाप बन के उड़ जाता है, तो वो आपका स्किन को ठंडा कर देता है, तभी आपको पसीना होने के बाद ठंडा लगता है। तो इवेपोरेशन हमेशा ठंडा करता है, लेकिन कितना वो ठंडा वो करेगा, वो बॉइलिंग टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो जैसे आप कोई भी चीज़ को बॉइल कर रहे हैं, और वो जैसे मान लीजिए पानी जो है वो बॉइल बहुत हाई टेम्परेचर पर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल होता है, तो उससे आप ठंडा ज़्यादा कर नहीं पाइएगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा पा लेते हैं, कोई फ्लूइड है जैसे अल्कोहल है या स्पिरिट है, वो कभी भी आप अपने स्किन पर लगाइए, देखिए कितना तेज ठंडा लगेगा, वो बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है। मतलब कुछ कुछ तो 30 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाते हैं। फिर आप उसके बाद ये देखिए कि कोई कोई खास खास फ्लूइड होते हैं, अमोनिया हो चाहे CFC जो आपके कंप्रेस इसमें यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेशन में, वो सब -18 डिग्री सेल्सियस पर इवेपोरेट हो जाता है। तो इसका ये मतलब होता है कि अगर आप इसको एक लिक्विड फॉर्म में डालें और उस जगह को मतलब छोड़ दी कि एक्सपैंड कर सके, तो वहाँ पे वो भाप बनने लगे, और भाप बनने के दरमियान वो गर्मी खींचेगा, ठीक है। गर्मी खींचा, वो है पहला स्टेप इवेपोरेशन। वहीं पे आपका फ्रीजर है, ठीक है, वो गर्मी खींच रहा है भाप बन के। लिक्विड आपने डाला, वो गर्मी से मतलब भाप बन गया, आपने वो भाप को कलेक्ट किया, भाप को कलेक्ट करके आप ये करते हो उसको एब्जॉर्ब करते हो, इसीलिए एब्जॉर्प्शन चिलर कहा जाता है। अब उसको एब्जॉर्ब करने का बहुत सारा तिकड़म होता है, जैसे मान लीजिए आपको बहुत ठंडा नहीं चाहिए, AC चलाना था तो -डिग्री आपको नहीं चाहिए, तो आप पानी ही इस्तेमाल कर रहे थे, और पानी भी अगर लो प्रेशर में बहुत कम टेम्परेचर पर इवेपोरेट कर जाता है, तो ठीक है आप इवेपोरेट कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेशर बढ़ जाएगा अगर भाप वहाँ पर जमा होने लगा, तो वो भाप को आप एब्जॉर्ब करोगे लिथियम ब्रोमाइड से। ये जो सिस्टम मैं दिखा रहा हूँ उसमें वही इस्तेमाल किया जाता है। लिथियम ब्रोमाइड के बारे में समझिए, वो एक टाइप का नमक है जो खाने में इस्तेमाल किया जाता है, ये कोई टॉक्सिक चीज़ नहीं है, मतलब लीक भी हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है। तो ये भाप को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ठीक है, वो एब्जॉर्ब तो कर लिया, अब वो एब्जॉर्ब जब करते जा रहा है, तो आपका पानी हमेशा लो टेम्परेचर, ये मतलब लो प्रेशर में है, लो प्रेशर के चलते इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेट होने के चलते जो प्रेशर बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि लिथियम उसको सोखते जा रहा है। अब लिथियम सोख रहा है, लेकिन लिथियम का भी जो भी आपका सिस्टम है वो कितना सोखेगा। तो लिथियम से वापस पानी का भाप निकालने के लिए लिथियम को गर्म किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। यहीं पे आपकी गर्मी को वापस छोड़ दिया जाता है। तो यही है तिगड़म, यहाँ कंप्रेसर ना होके मतलब ये सोल्यूशन को मतलब एब्जॉर्ब किया जा रहा है, उसको सोल्यूशन डाइल्यूट हो रहा है, डाइल्यूट के बाद उसको फिर कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है, डाइल्यूट हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है, ये ही कंप्रेसर का स्टेप ले लिया है। तो आप ऐसे देख सकते हैं, सीधा सीधा एब्जॉर्ब हो, ये इवेपोरेट होगा, ठंडा होगा, फिर एब्जॉर्ब होगा, फिर एब्जॉर्बर को आप दोबारा रीहीट करेंगे, फिर इवेपोरेशन का सिस्टम चलेगा। ये आपको RVs मतलब रिक्रिएशनल व्हीकल में ये काफ़ी पॉपुलर था, खास करके जैसे मान लिया बहुत दूर जा रहे हैं, फ्रिज में आपको सामान रखें, तो एक गैस सिलेंडर से आप आराम से फ्रिज चला सकते थे। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन आप खरीद सकते हैं ऐसा। तो इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहला फायदा है कि ये बहुत टेस्टेड चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब गाड़ी उड़ी के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है, खास करके रिक्रिएशनल व्हीकल में। मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी है, टेस्टेड है, कि मतलब गाड़ी में आप जा रहे हैं कहीं बहुत दूर जाना है, अब मतलब या तो पूरा तेल से आप चलाइए उसको कंप्रेसर को जो बहुत तेल खाएगा, या गैस से एक अलग सिस्टम रख दीजिए कि भैया ठीक है ये अपना गैस से चलता रहेगा, अपना फ्रिज अपना 24x7 चल रहा है। तो टेस्टिंग के मामले में आपको डर नहीं लेना है, कुछ टेस्टेड है। फिर इसका अगर अभी आप टाइप करते हैं गूगल में कि मेरे को बताओ एब्जॉर्प्शन चिलर खरीदना है, प्रॉब्लम ये है कि स्टार्ट ही होता है 100 टन से, मतलब छोटे तो आते ही नहीं है, मतलब आते हैं लेकिन खोजना पड़ेगा, मतलब स्टार्ट होगा 100 टन, 500 टन,
3,000 टन। तो ये इंडस्ट्रियल स्केल पे बहुत सक्सेसफुल रहा है और खूब इस्तेमाल किया जाता है। तो आप बोलोगे कि इंडस्ट्रियल स्केल में कौन इसका इस्तेमाल कर रहा है, क्यों कर रहा है? तो इंडस्ट्रियल स्केल में वेस्ट हीट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप समझिए कोल पावर प्लांट है, उसमें आपने पानी को गर्म किया, एकदम 1000 डिग्री सेल्सियस तक पानी को एकदम गर्म कर दिया, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम आपने बनाया, उसको आप टर्बाइन में डाले, ठीक है, टर्बाइन एनर्जी निकाल दिया, लेकिन स्टीम तो स्टीम ही रह गया ना, तो उसको आप लोग कूलिंग टावर में डालते हैं ठंडा होने के लिए। तो उस दरमियान उस गर्मी को ये कलेक्ट कर लेता है, इस तरह का सिस्टम एब्सॉर्प्शन चिलर कलेक्ट कर लेता है। तो वो जो पानी जो ठंडा हो रहा है वो अभी भी 60 डिग्री सेल्सियस या भाप वाले स्टेप में ले रहे हैं तो 100-150 डिग्री सेल्सियस वो अभी भी है। टर्बाइन को चलाने के लिए 1000 चाहिए, लेकिन उसके बाद क्या कीजिएगा जब उससे निकल रहा है, उसके निकल के ठंडा तो थोड़े हो जा रहा है, मतलब हाँ 1000 डिग्री से वो 100 डिग्री तक हो गया, लेकिन अभी भी 100 डिग्री है। तो वो गर्मी को कलेक्ट करके ये लोग क्या करते हैं, कोल पावर प्लांट का जो जितना भी कूलिंग का ज़रूरत है वो यही पैदा कर देता है। तो आपको मैंने बताया कि ये 100-150 टन का आता है, 500 टन का आता है, 3000 टन का आता है। तो कई कई जगह पर ऐसा होता है कि मतलब बहुत अगर बिल्डिंग है या कुछ है उसी को ये वेस्ट हीट से आप कर लेते हैं। तो वेस्ट हीट ऐसा नहीं कि सिर्फ पावर प्लांट में जनरेट हो रहा है, जैसे आप लोगों को पता ही है गन्ने की मतलब गन्ने को जहाँ चीनी में बदला जाता है बहुत बहुत तिगड़म है, एक जगह पे गर्मी चाहिए एक जगह पे ठंडा चाहिए, तो गर्मी वाला जगह में पानी से जो गर्म करते हैं, पानी से जो बॉयल ऑफ कर रहे हैं वो गंदा पानी को लेकर उससे गर्मी निकाल के ठंडा पैदा करते हैं। जो ठंडे वाले स्टेज में प्रोसेसिंग पीरियड में जब आपको ठंडा करना होता है चीनी को, उस दरमियान आप ठंडा कर रहे हैं, तो वही गर्मी को आप इस्तेमाल कर दे रहे हैं, वही ऊर्जा को बर्बाद ना होकर मतलब ऐसे चिमनी बना के छोड़ नहीं दे रहे हैं, आप उस गर्मी को निकाल ले रहे हैं, तो आपका बिजली बहुत बचता है। इसीलिए ये बहुत सक्सेसफुल है इंडस्ट्रियल स्केल पे, खूब आराम से आपको मिलेगा। जहाँ पे भी जैसे मान लीजिए आप कुछ ऐसा करते हैं कि खूब गर्म मतलब पैकेजिंग इंडस्ट्री हो, चाहे मतलब आपका वॉशिंग और ड्राइंग इंडस्ट्री जहाँ खूब गर्म गर्म पानी इस्तेमाल होता है, उससे आप कूलिंग ले सकते हैं, मतलब वो गर्मी है इस्तेमाल कर लीजिए, आप ही का फ़ायदा होगा। और को जनरेशन में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। को जनरेशन के लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं जो मैं हाइड्रोकार्बन फ्यूल सेल के बारे में बनाया हूँ। तो हाइड्रोकार्बन फ्यूल सेल के बारे में मैंने ये बताया था कि समझिए जैसे जनरेटर आपको 20% एफिशिएंसी देता है, कितना एनर्जी आपके इसमें ईंधन में था उसको 20% वो आपको बिजली में बदल के दे देता है। तो हाइड्रोकार्बन फ्यूल सेल यानी कि सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल 50% तक को बदल के दे सकता है, तो बहुत एफिशिएंट है। लेकिन आपको और चाहिए, आप चाहते हो कम माइलेज और ज़्यादा हो, या आप उससे और काम निकाल सकें, क्योंकि जैसे मान लीजिए घर में आप जनरेटर चला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप उसके बाद एसी ही चलाएंगे, मतलब आपके पास अगर बिजली है तो क्यों ना उस गर्मी को इस्तेमाल करके को जनरेशन के साथ मतलब मल्टीपल जनरेशन करके आप आराम से उससे अपना एसी भी चला सकते हैं। तो आपको 80-90% का एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो को जनरेशन के मामले में ये टेक्नोलॉजी बहुत मददगार साबित होती है। जहाँ पे मान लीजिए आप कुछ भी कर रहे हैं जहाँ पे खूब गर्मी निकल जा रहा है, ठीक है, जैसे आप डीजल से जनरेटर चला रहे हैं उसका एग्जॉस्ट तो बहुत गर्म होता है, वो एग्जॉस्ट को आप इसमें डाल दिए, आराम से ये उस गर्मी को निकाल ले रहा है, एग्जॉस्ट भी ठंडा हो जा रहा है, शांत भी हो जा रहा है, और आराम से आपकी गर्मी से एसी चल जा रहा है, सीधे नहीं चल रहा है, बिजली आप खर्च भी नहीं कर रहे हैं, आपको बिजली सिर्फ लाइट वोट जलाने में जो लग रहा है और गर्मी से कर रहा है। और हाँ आप थोड़ा सा ये रख सकते हैं इलेक्ट्रिकल बैकअप रख सकते हैं कि मान लीजिए वो एब्सॉर्प्शन खराब हो गया तो आप इलेक्ट्रिकल पे चल रहे हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये बहुत सक्सेसफुल है इंडस्ट्रियल स्केल पे, सोचना ही नहीं इसके बारे में। तो इसका नुकसान क्या है कि अगर ये इतना मैजिकल है, इतना सब चीज़ औसम है, तो ये हर जगह क्यों नहीं है? सबसे बड़ा झंझट ये है कि कंप्रेसर इसीलिए सक्सेसफुल हो गया, ये फेल इसीलिए हो गया कि इसका COP यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बहुत कम है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को आप ऐसा समझिए कि जब भी आपको कोई बोलता है भैया ये एसी है तो आप पूछोगे ना कितना किलोवाट का है, तो लिखा होगा उसमें जैसे मान लीजिए 2 किलोवाट का, ठीक है, तो क्या वो 2 किलोवाट का ठंडा पैदा करता है? नहीं, वो पैदा करेगा 4 या 5 किलोवाट का ठंडा, लिखा रहता है, उसी को हम लोग COP कहते हैं। तो कितना गुना, मतलब आपने बिजली डाला, आपने 1 किलोवाट डाला वो 2 किलोवाट का ठंडा दिया तो 2 COP हो गया, आपने 1 किलोवाट डाला और वो 10 किलोवाट का ठंडा कर दिया तो उसको हम लोग कहेंगे 10 COP। जितना ज़्यादा COP होगा उतना कम बिल आएगा। तो COP हम लोग को चेक है, उसमें सोचना नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसका COP बहुत ख़राब है, ये 1.2 से 1.5 तक जाता है, मतलब उतना गुना आपको कूलिंग देगा, तो ये ज़्यादा तो है नहीं। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल नहीं रहा, छोटे स्केल पे तो मिलता भी नहीं है, इसका यही सबसे बड़ा झंझट है कि इसीलिए आप और हम नहीं उतना कॉमनली जानते हैं इसको, क्योंकि ये छोटे स्केल में मिलता ही नहीं। ये है पैनासोनिक बना के भेज रहे हैं, ये सब मिलता है आपको, अलीबाबा पे जाइएगा तो आपको कई 100,000 मिल जाएंगे और चलता है। मतलब जापान में जब फुकुशिमा डिजास्टर हुआ था तो उसके बाद प्रॉब्लम ये था कि फुकुशिमा बहुत बड़ा पावर प्लांट था
तो उतना ज़्यादा बिजली जब ग्रिड से हट गया तो सब लोग एसी तो बंद किए, लेकिन कब तक बंद रखेंगे एसी? मतलब ऑफिस ऑफिस में धीपने लग जाएगा सब लोग, क्योंकि कंप्यूटर भी गर्मी दे रहा है, आदमी खुद भी लगभग 100 वाट का हीटिंग एलिमेंट की तरह काम करता है। तो समझिए सुबह सुबह कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दोपहर के टाइम एकदम धीपने लगेगा, तो उस दरमियान जब बिजली का ये हो गया कि भैया टाइम लगेगा वापस कोई प्लांट बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करने में, तो बहुत कंपनी कूद गई इसमें एब्जॉर्प्शन चिलर में, जहाँ पे वो गैस लगा के, गैस से डायरेक्ट मतलब आग जला के ये ठंडा पैदा कर रही थी, वो ज़्यादा इफिशियंट होता है, क्योंकि जनरेटर तो आपको पता है ये 20% इफिशियंट है, लेकिन अगर गर्मी आप पैदा करना चाहते किसी भी ईंधन से 100% इफिशियंट होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा जापान में, तो काफ़ी कंपनी अभी कूद गई है इस मार्केट में, क्योंकि ये एकाएक पकड़ लिया, जब एकाएक जापान इसको सीरियसली लेने लगा, एकाएक इतना डिमांड हो गया तो प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ने से दाम घट गया, दाम घट गया तो काफ़ी लोग और कूदे, और उसके चलते और प्रोडक्शन बढ़ गया, तो अभी काफ़ी इंटरेस्ट आ गया है इस टेक्नोलॉजी में। पिछले 4-5 साल से इसका धीरे 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 गाड़ी ऊपर बढ़े जा रहा है, और जितने भी लोग समझ गए हैं कि जिनका फैक्ट्री में मान लीजिए वेस्ट हीट है, जहाँ पे कपड़ा का डाई बनाया जाता है, वहाँ पानी उबाल रहे हैं लेकिन फिर ठंडा भी तो करना है कहीं, अब ठीक है उबाल रहे हो ठंडा भी करना है, तो क्यों ना उस गर्मी का ही इस्तेमाल करके अब ठंडा भी बना लो, तो इसलिए इंडस्ट्रियल में तो बहुत सारे, लेकिन अब सीधे सीधे इस्तेमाल करना अच्छा आइडिया नहीं है। जैसे आप LPG सिलेंडर से अगर आप अपना AC चलाना चाहेंगे तो बहुत लंबा तो नहीं चलने वाला, तो इसी कारण से ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है कि हर घर में आपको ये दिख जाए। दूसरा, ये इसका अगर इंडस्ट्री में भी इतना फ़ायदा है तो ये सस्ता चीज़ नहीं है, तो ये कई हज़ार करोड़ का चीज़ है, मतलब इस पर खर्च करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ ठीक है ये आपका पैसा लौटा देगा, मतलब ये इतना सक्सेसफुल रहे, टाइम टेस्टेड है, और कुछ कुछ तो 5-25 साल की वारंटी के साथ भी आती है, तो आपको सोचना नहीं है, आपने इन्वेस्टमेंट किया और खुश रहिएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत भारी मांगता है, तो इसीलिए उतना भी मतलब छोटे छोटे प्लांट में नहीं इस्तेमाल किया जाए, जहाँ इस्तेमाल करने से फ़ायदा ही होगा लेकिन हर कोई नहीं इस्तेमाल करता। तो भविष्य में क्या उम्मीद की जा सकती है, तो भविष्य में सबसे पहले ये समझिए कि इसके इफिशेंसी जो मैंने बताया 1.5 और 1.2 ये नॉर्मल नहीं है, मतलब अगर आप खरीदिएगा तो आपको 0.8 ही मिल जाए वही बड़ी बात है, तो वो सब जो 0.8 है वो कुछ कुछ खास खास सिस्टम है, तो हमारी कोशिश अभी ये हो रही है कि उस इफिशेंसी को नॉर्मल इफिशेंसी में बदला जाए, कि सिर्फ आप कुछ भी खरीदिएगा आपको लगभग उतनी इफिशेंसी मिल जाएगी। तो पहला तो इफिशेंसी, दूसरा इसका छोटा स्केल तो नहीं बना है, तो जैसे आप ये देख रहे हैं सोलर वाटर हीटर जो है ये सब जगह सक्सेसफुल हो गया दिख रहा है, भले 3-3.5 लाख का था लेकिन जो लोग लगाते हैं खुश रहते हैं, और जैसे बेंगलोर में तो इसके कारण सब्सिडी भी मिल जाती है कि मतलब आपका टैक्स में बिजली बिल में थोड़ा सा पैसा घटता है, टैक्स में आप दिखा सकते हैं, तो सब चीज़ करने के बाद तो इसका फ़ायदा ही है, तो आप समझिए इससे AC ही आप चलाने लगे तब तो सबको ही लगाने लगे, क्योंकि AC का तो बिल आपको पता है ये 3,500-6,000 का बिल आता है AC का अपना, तो अगर ये चलने लगा, और इसमें तो ये फ़ायदा कि जितना गर्म होते जाएगा उतना अच्छा से काम करेगा, तो टेंशन ही नहीं, मतलब जबकि AC उल्टा करता है कि मतलब AC को अगर बाहर का गर्मी बहुत बढ़ जाए तो AC बहुत बिजली खाने लगता है, ये उसका उल्टा करेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि अब छोटा स्केल इसलिए अभी इतना आसानी से नहीं मिलता है क्योंकि ये जो एब्जॉर्प्शन चिलर ये तभी अच्छा से काम करेगा टेम्परेचर बहुत हाई हो, तो हाई का मतलब है 300 डिग्री के आसपास, तो ये सब तो बहुत बनाया ही नहीं जाता उतना टेम्परेचर, ये सब बनाया जाता 60 से 90 डिग्री सेल्सियस तक का, तो उतना टेम्परेचर पे चलाना ऐसा नहीं कि नहीं बनता है, नहीं चलता, लेकिन इफिशेंसी कम हो जाती है, तो फिर वही झंझट पे आ जाते हैं। तो लेकिन इसका किया जा सकता है, कुछ कंपनी में मैं देख रहा हूँ जो काम कर रहे हैं जिसमें आइडिया यही है कि इसका आप जैसे 2 वाला लेते हैं तो 3 लेंगे और उससे आप AC चलाएंगे और AC से जो गर्मी निकलेगा, जो जैसे आपको मैंने बताया कि सिर्फ कंप्रेसर हट रहा है, तो कंप्रेसर के बाद भी तो आप जो जहाँ पे गर्मी डंप करेंगे उससे आप पानी गर्म कर लीजिएगा, तो आपको पानी एक्स्ट्रा गर्म मिल जाएगा। तो जिस दिन ये हो गया सक्सेसफुली हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, और इस तरह के जो प्लांट है इसके साइज़ दाम बहुत ज़्यादा है, तो दाम जैसे जैसे घटता जाएगा आपको हर जगह ये देखने को मिलेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एब्जॉर्प्शन चिलर के बारे में, आपको कहूँगा कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में खूब सारे मैंने लिंक दिए हैं जिसको आप देख के आराम से अपनी क्यूरियोसिटी पूरी कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा है मेरा प्रेजेंटेशन तो लाइक कर दीजिए, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए तो मेरा काफ़ी भला हो जाएगा, और अगर आप फ्री हैं तो घंटी बजा दीजिए, नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, और आप कमेंट लिखिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे, आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।